वो सबसे दुखद पल होता है जब उसके माता पिता इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। चाहे वो माँ हो या फिर पिता हो, बेटी का सबसे सच्चा साथी या फिर बेटे का सबसे सच्चा साथी कोई और नहीं, उसके माता पिता होते हैं। और अगर हम बेटियों की बात करें तो कहा यह जाता है कि बेटियां अपने पिता के सबसे करीब होती हैं। जब बेटी बड़ी होती है तब वो पिता की छत्र छाया में बड़ी होती है और वो जानती है कि इस दुनिया का कोई भी शख्स उसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पास उसका सुपर हीरो है। आप सभी जानते हैं कि बिन पिता के जो वो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से हर पल जीते होंगे। चेहरे पर वो मुस्कान तो लेकर आ जाते होंगे, मगर दिल में हमेशा अपने पिता को खोने का गम रहता होगा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। यहाँ पर हम एक ऐसी ही हसीना का जिक्र कर रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी में कामयाबी तो खूब पाली, मगर आज भी वो गम अपने पिता को खोने का दर्द हर वक्त उसकी आंखों में उसके बेहद ही इमोशनल कर देने वाले खत पे पता चलता है। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा इस इंडस्ट्री में वो मुकाम को हासिल करके हॉलीवुड में गई और हॉलीवुड में भी उन्होंने वो मुकाम को दर्ज किया, इंडिया के नाम को रोशन किया। मगर आज भी इतनी कामयाब हो जाने के बाद जब उनके पिता के जन्मदिन का दिन वो आया, तब यहाँ देसी गर्ल आप सभी की प्रियंका चोपड़ा भावुक हो गई। कहा यह जाता है कि प्रियंका चोपड़ा के पिता को कैंसर हो गया था और कैंसर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज प्रियंका चोपड़ा के पिता का जन्मदिन है, यानी कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, और यहाँ पर उनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने एक तस्वीर को साझा तो किया ही है, मगर साथ ही साथ यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसे ट्वीट किए हैं। एक ऐसी तस्वीर के साथ एक ऐसा कैप्शन दिया है जिस कैप्शन के बारे में जानकर यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। हम यहाँ पर वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जरा आपको बता देते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने इस पूरे खत में लिखा क्या है। यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने साफ शब्दों में कहा, हर साल इस दिन सिड और मैं आपको सरप्राइज करने के लिए अलग अलग तरीकों को खोजते थे, लेकिन हम कभी भी पूरी तरह से वो कर नहीं पाए क्योंकि आपको पहले से ही पता चल जाता था। मैं आशा करती हूँ कि आप जहां भी होंगे आपको पता होगा कि हम आपके इस खास दिन को कितना खास बनाना चाहते थे। प्रियंका चोपड़ा आगे कहती हैं, मैं कुछ भी करती हूँ मैं आपके बारे में सोचती हूँ, मैं जो भी फैसला लेती हूँ मैं आपकी राय जानने की कोशिश करती हूँ, मैं आपकी दुआओं के लिए शुक्रगुजार हूँ। हैप्पी बर्थडे डैडी, काश आप हर दिन हमारे साथ रहते, हम सभी को प्यार कर पाते। यकीनन ही प्रियंका चोपड़ा ने जिस तरीके से यहाँ पर इस पोस्ट को लिखा है वो एक बेटी का दिल ही जानता है कि पिता का साया चले जाना और उसके बाद बेटी इतनी स्ट्रांग उससे आगे बढ़ती हैं, परिवार को सहारा देती हैं, सिड को सहारा देती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बेहद ही दुखद है। जहाँ पर प्रियंका इन दिनों अपने ससुराल में ही है और निक जॉनस के साथ है, तो यकीनन ही इस दुनिया में बेटी कहीं पर भी क्यों ना चली जाए, मगर माँ बाप को खोने का गम दुनिया के किसी भी कोने से जाहिर हो ही जाता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।